कि इंसान के दिल में क्या क्या है। फरीसियों में उसे एक शख्स निकोडेमस नामी यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। मैं तुझसे ये सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। ऐसा क्यों कर हो सकता है? तू बनी इसराइल का एक अजीम उस्ताद है और क्या तू उन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं, जो हम जानते हैं कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया। तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे बल्कि इसलिए कि दुनिया इसके वसीले से नजात पाए। जो इस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं।